ऐसा लगता है पता नहीं आपको और वीरेंद्र सहवाग को कोई बताता नहीं है कि मैच वनडे है कि छोटा वाला है 2020 है, ये उसी स्पीड से खेलते हैं 2020 वाली तड़ा तड़ दे, ये मतलब आपको सच्ची में नहीं पता चलता कि कौन सा मैच हो रहा है क्योंकि आपकी स्पीड वही रहती है चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो। स्पीड तो भाई अभी पिछले एक डेढ़ साल में बढ़ गई, उससे पहले इतनी थी नहीं। पहले मुझे वीरू भाई जब साथ हम खेलते थे तो वो मेरे को हमेशा ताना मारते थे, तो बड़ा धीरे खेलता है तू। अच्छा तो फिर उसके बाद उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने जयपुर में इनको रोकते हैं पता है विसल मार के, नहीं तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैच जीत चुके हैं फिर भी लगे हुए हैं सामने वाला बॉलर बोलता भाई हो गया अभी आप जाइए। आपके करोड़ों क्रेजी फैंस हैं और आपके पीछे पागल हैं, कभी कोई ऐसा फैन आपको मिला कि जिसको देख के खुशी कम डर ज्यादा लगाओ यार ये कैसा फैन है? अभी अभी हुआ आईपीएल में दुबई में पाजी, कोई मेरे ख्याल अफगानिस्तान का बंदा था कोई। अच्छा? तो उसके लंबे लंबे बाल थे वो, जैसे जॉन इब्राहिम के थे ना धूम में पहले। हाँ। सीधे वाले। तो हम लोग खाना खाने गए मॉल में, तो बाहर उन्होंने लोगों को रोक दिया रेस्टोरेंट वालों ने। अच्छा। पहचान गए एक दो, मैं था, यूवी पाजी थे, दो तीन लोग थे। तो बैठ गया, उन्होंने रोक दिया, तो वो बंदा थोड़ा ऑफेंड हो गया कि मेरे को ऐसे बदतमीज से क्या निकाल दिया बाहर। तो मैं देख रहा था वो बड़ा ना गुस्से में खड़ा हुआ बाहर, तो मैं गया बाहर, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो उसने मुझे आके बोला कि मुझे फोटो चाहिए। तो मैंने कहा तू मांग रहा है कि ये भाई मुझे लेके जाएगा घर? तो मैंने कहा अभी बहुत भीड़ है, मैं एक को फोटो दूंगा तो नहीं हो पाएगी। तो उसको इतना गुस्सा आ गया उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं बोल रहा हूँ ना फोटो चाहिए मुझे। तो मैंने कहा भाई सिक्योरिटी वाला को लेके जाओ इसको, यार ये चाकू वाकू ना निकाल दे अभी जेब से। अपनी ऐसी जगह पे मुकर जाना चाहिए, विराट कोहली सम्राट कर लूं मैं भाई उसका, ऐसा होता है बाजी सच्ची में। सारे दर्शक ये जानते हैं कि पूरी टीम में सबसे अच्छी इंग्लिश जो बोलते हैं वो विराट कोहली है। हमने बड़े किस्से पहले भी शेयर किए हैं, कपिल साहब आए जब उनके साथ भी किस्से शेयर हुए, बड़े मनोरंजक किस्से सुनाए। तो ऐसा कभी हुआ पार्टी में सारे प्लेयर्स गए और विराट की इंग्लिश अच्छी और विराट ने सबसे पहले इंप्रेस कर लिया और बाकी प्लेयर बैठ के ले गया, विराट भी ले गया, मैन ऑफ द मैच भी ले गया, ये भी मौका ले गया, ऐसा भी होता है कभी? कौन सा मौका? खुल के नहीं बोलेंगे ऐसा? हाँ मतलब ऐसे ऐसे नहीं होता कि मौका ले गया है कुछ, लेकिन ओके लेट्स चेंज द टॉपिक। ओके ओके क्या मजे कर रहे हैं आप, ठीक है अच्छी बात है। दादी मैच खेल रहा था 3-4 महीने से, खुद ही खेलता रहे, ये नहीं कि दादी तुम भी कभी देख लो। चलो आया तो जल्दी से अगले मैच का पास दे दे मुझे। कौन से स्टैंड का चाहिए बताओ? स्टैंड का मतलब वो अंपायर खड़ा रहता ना उसके आगे बैठ के देखना है। ऐसे नहीं लगते दादी चौके छक्के, ऐसे लगते हाँ ऐसे या ऊपर अपर डीपर एक ही बात है। लेकिन क्या खिला के बेचती तेरी मम्मी? मम्मी दूध चीनी दे देती है वही शगुन के लिए जो एग्जाम में भी वही खा के जाते थे। बस बस तो एक बात बता, ये आशीष नेहरा के घर के आसपास डेरी नहीं है? खड़ा है इधर कितना इसको दूध चीनी रबड़ी सब कुछ पिला दी मैंने लेकिन आज
तक इसने ढंग का कोई काम नहीं किया। दही खिलाने का तरीका भी तो होता कोई? विराट की मम्मी खिलाती है एक चम्मच दही में थोड़ी सी चीनी डाल के, जाओ बेटा शुभ होता है। इसने 1.5 किलो दही खिलाया मेरे को। मेरा हिस्ट्री का पेपर था, मैं प्रेजेंट भी भूल गया, यहां तक दही भरा पड़ा मेरे, आंसर शीट पे पूरा रहता फैला फैला। और मैं तो फेल हुआ हुआ, दो आदमी और गए वहां रहते के चक्कर में। तरीका होता हर काम का। मेरे ऊपर इल्जाम मत डाल, खुद फेल होता है और मुझ पर इल्जाम डाल रहा है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल देखने के लिए तू स्पेन गया था। दादी वर्ल्ड कप ब्राजील में हो रहा है। वो तो दूसरे लोगों के लिए हो रहा है, इसका फिनाले तो स्पेन में चल रहा था। दादी पल्लू ले लेना, पल्लू ले लेना मेरे को। गुस्सा आ गया तो मुक्का मार देगा वो, तेरा तो कुछ जाएगा नहीं, मेरे को मार देगा। अच्छा ठीक है, चेंज द टॉपिक, चेंज द टॉपिक। तू इतनी सारी ऐड करता है, फिर 6-7 लड़कियां जाती हैं, फिर ऐसे तू देखता है, फिर बाइक पे जाता है। व्हाई डोंट यू सजेस्ट मी सम शैम्पू? मेरे क्या ना आजकल बालों में बड़े जुआ आ गए थे। ए दादी शैम्पू का क्या करेगी तू? तू 10-12 दिन और रहने देना, आने को जुए दम घुटके मर जाएंगी वो। ऐसी बातें नहीं करनी थी। नहीं। अच्छा सॉरी। अच्छा एक मेजर प्रॉब्लम। बोलो। यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हाँ जी। मैंने गैस बड़ी होती है। इसका ना इलाज आज तक नहीं मिला। तेरे साथ भी तो ऐसा कुछ होता ही होगा ना? तू भी इंसान है, वही खाता जो हम खाते हैं। अब इतने बड़े स्टेडियम में खड़ा है, वहां से बॉल आ रहा है। गैस हो जाए तो अब हम तो चूरन खा नहीं सकते वहां खड़े खड़े। मतलब वही तो और क्या। अच्छा वैसे भी इतना बड़ा स्टेडियम है, हमें कौन से टीवी पे आवाज सुनाई देनी है। बड़ों को गिराता है। सॉरी। इसकी सजा मिलेगी तुझे, बोलो क्या सजा दूं? लिपस्टिक खत्म होगी दादी। सर क्या बताऊं, आप तो इतने खूबसूरत हो, ये तो क्रिस गेल भी आ जाए उसको भी ना छोड़े। हम सब यार दोस्त जब बैठते हैं ना, कभी विराट को खेलते हुए देखते हैं या कभी किसी एड फिल्म में देखते हैं, तो अक्सर ये बातें होती है कि यार विराट ऐसा क्रिकेटर है कि खतरनाक बैट्समैन तो है ही, लेकिन एक्ट बहुत अच्छा करते हैं जब कोई ऐड करते हैं। और आज हमने डांस भी देख लिया, और क्या क्या टैलेंट छुपा हुआ भाई आपके अंदर। मैंने कहीं से तो सुना मिमिक्री भी करते हैं, मैंने सुना है। खड़का दे दो तीन यार, दो तीन खड़का दे किसी की भी। वो ईशान शर्मा तो ये जो पुलिस वाले बनते हैं वैसी आवाज है उसकी। कैसे कैसे? और यार बॉल दियो मुझे यार, क्या कर रहा है। और यूवी यूवी कैसे करते? यूवी यूवी पाजी का क्या है, बीच में थोड़े जब वो बीमार होने से पहले थोड़े मोटे हो गए थे, तो फील्ड में वो खड़े होते थे तो थक जाते थे ना मैच में, तो उसके आप बोलते कुछ नहीं, उनको कुछ भी बोलोगे ना, जैसे मैंने बोला पाजी मैं वहां जाकर खड़ा हो जाऊं, उनका ऐसे हो जाना। बंदा जाके खड़ा है, अगली बार दोबारा दे दिया थके हुए में धोनी भाई ने, कमर पे हाथ रखा बॉल पकड़ी इधर, और फील्ड कैसे चेंज कर रहे, आवाज नहीं निकल रही। We'll be right back.
अनिल कपूर की भी मैंने सुना आप मिमिक्री करते हैं। नहीं, उनका एक डायलॉग बड़ा पसंद था मुझे, कोई मूवी थी उसमें वो ना घर में होते हैं, पर सीन था कोई सेकंड फ्लोर पे थे शायद, नीचे गुंडे आते हैं छेड़ने, शायद माधुरी दीक्षित थी हीरोइन, तो उसको छेड़ा तो उनका डायलॉग ऊपर से ही वो गुंडों को खोल रहा है, अब तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, भूत नहीं है। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपको देख के बहुत खुशी हुई। अरे वाह। अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि विराट झूठ भी इतना अच्छा बोलते हैं। सारी दुनिया को पता विराट हैंडसम है, स्मार्ट है, टैलेंटेड, कैसी हैं आप? तेरा पुत्र नहीं पूछेगी तो क्या मतलब, दुनिया को पता नहीं चलेगा? शर्मा जी, इट्स कॉल्ड एटिकेट्स। सॉरी मैं इन्हें क्यों बोल रही हूँ, नहीं तो एटिकेट का स्पेलिंग भी नहीं पता होगा, है ना पाजी? स्पेलिंग तो मुझे वाइफ के भी नहीं पता, फिर भी तू आ गई ना हमारे घर में। विराट से बातें करने दीजिए, है ना विराट? हाँ जी। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे। पूछिए। क्रिकेट के अलावा आपके और कौन से शौक हैं? मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, मुझे कपड़े खरीदने का बहुत शौक है, और कॉमेडी नाइट्स देखने का बहुत शौक है। आपको वैसे कुकिंग का भी शौक है? डैडी इसके ढाबा कब का बंद हो गया, लेकिन कुकिंग वाले सवाल नहीं बंद हो रहे इसके। Shut up! Okay.